हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द डिफ्रेंशियबिलिटी पार्ट ऑफ द चैप्टर फाइव क्लास ट्वेल्थ कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी सो इन दिस वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द सर्टेन टर्म्स जो हमारे डिफरेंशियबिलिटी में यूज होती है दैट इज द डेरेवेटिव डिफरेंशियबिलिटी एंड देन वी विल बी कवरिंग सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूलाज सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरीवेटिव पार्ट कि एक्चुअली में डेरीवेटिव होता क्या है ओके सो आप जब डिफरेंशियबिलिटी के एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सर्टन फंक्शन और आपसे ये भी पूछा जा सकता पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन में टू फाइंड द डिफ्रेंसीशन ऑफ सर्टन फंक्शन तो आप कन्फ्यूज मत होना कि वट एक्चुअली डिफरेंसीशन इज एंड वट डेरीवेटिव इज सो ये दोनों टर्म्स जो हैं डिफरेंसीशन एंड डेरीवेटिव ये एक्चुअली में सेम ही है बेसिकली क्या होता है ओके, सो बेसिकली क्या होता है डिफ्रेंसिएशन जो होता है इट इज नथिंग बट एक वे है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन सो डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट अ वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ओके okay. सो so, अभी हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में डेरिवेटिव्स होता क्या है सो so, मैं एक सर्टेन डेली लाइफ एग्जांपल लेती हूँ दैट um, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई वी हैव बीन गिवन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एक्स जो है जिसमें रिप्रेजेंट करता है लेट्स से डेट और वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेट्स से प्राइस एक फ्रूट का लाइक प्राइस ऑफ अ मैंगो कंसिडर करते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सो so, इस एग्जाम्पल में जैसे कि मैं लेती हूँ कि ऑन फर्स्ट सप्टेम्बर जो उसकी मैंगो का प्राइस था जेट से इट वॉज ट्वेंटी देन ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज ऑन सेकेंड सप्टेंबर उसका प्राइस जो है एक वन uh, रुपी इंक्रीज हुआ सो इट माइट भी ट्वेंटी देन इट माइट भी ट्वेंटी वन प्राइज ऑफ द मैंगो देन ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज ऑन थर्ड सप्टेम्बर उसका प्राइस एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ एंड इट बिकम्स एज एटीन रूपीज और ऑन नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एंड इट बिकेम नाइनटीन रूपीज सो ये मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया एंड सो ऑन डेट्स का ले सकते हैं मैंने जैसे ये एग्जाम्पल लिया तो आप देख सकते हो कि ऑन पर्टिकुलर डेट जब हमारा डे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो मैंगो का प्राइस है वो स्लोली आ इधर इंक्रीज हो रहा है या स्लोली डिक्रीज हो रहा है और ऐसा भी कह सकते हैं ऑन फास्टर रेट भी इंक्रीज हो रहा है और फास्टर रेट डिक्रीज भी हो रहा है तो बेसिकली ये जो चेंज हो रहा है वो इधर स्लो है फास्ट है या एक्सपोनेंशियल है तो बेसिकली यही चेंज जो हम डेली लाइफ में होता है इस रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव सो इन रियल लाइफ हम क्या बोलते हैं कि जो डेरिवेटिव है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ओके okay. सो so, अगर आप इसी को आप एज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ में समझो तो आपको पता है ग्राफ के टर्म्स में अगर हम रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे स्लोप से तो डेरिवेटिव को हम एज अ ग्राफ फॉर्म में बोलेंगे डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है ओके सो डेरिवेटिव को जब मैंने आपका जो ये डेली लाइफ एग्जाम्पल लेके बताया हम डेरिवेटिव को फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ तो हम ग्राफ के फॉर्म में करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y ऑफ एफ एक्स जिसका ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है लाइक वी कैन से लाइक दिस सो दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स तो इसका क्या मतलब है कि ये एक पॉइंट x पे इसकी वैल्यू जो होगी वो फंक्शन ऑफ x की इक्वल होगी तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज तो अगर हमारा ये वैल्यू एक्स पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम एक और वैल्यू कंसिडर करते हैं कि एक h ले, एक्स प्लस एच लेते हैं कि एक्स में अगर हमने एक थोड़ी सी वैल्यू एड कर दी h एक्स प्लस एच ली उसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस एच ओके एंड ये चीज है कि एच जो है वो हमारा बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही छोटा इंक्रीज है एक्स में तो एच जो है इट इज नथिंग बट लिमिट एच टेंडिंग टू ओके अब मैंने लिया ये अब सिमिलरली जो हमारी एच H, H की वैल्यू है छोटी वो एक्स में हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज भी हो सकती है तो सिमिलरली मैंने एक और वैल्यू ली फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस एच पे तो उसमें हमारी वैल्यू क्या आई एफ एक्स माइनस एच वाई की वैल्यू तो हमारा फंक्शन इन तीनों पॉइंट्स पे हमारा डिफाइन हो गया ठीक है अब so, अब हम निकालते हैं इस फंक्शन की वैल्यू तो अब हमें बताया कि डेरिवेटिव जो होता है रेट ऑफ चेंज तो रेट ऑफ चेंज ग्राफ की टर्म्स में मैंने आपको बताया स्लोप होता है तो आपने जब नाइन टेंथ में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्लोप निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो अब इसी फॉर्मूला से हम अपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं तो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हमारा डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव मैंने आपको बताया जो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है वो स्लोप की इक्वल है तो क्या आया हमारा स्लोप की वैल्यू जो हमने निकाली है वाई टू माइनस वाई फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन ओके तो अब इस रेट ऑफ चेंज पे हम पुट करते हैं वैल्यू हम चेक करते हैं ये हमारी एक्स वैल्यू क्या हुई प्रेजेंट वैल्यू एक्स प्लस एच हुई हमारी फ्यूचर वैल्यू और x माइनस एच हुई हमारी पास्ट वैल्यू तो अब हम ये वैल्यूज लेते हैं x फ्यूचर की और प्रेजेंट की तो ये हुआ हमारा x वाली वैल्यू y1 और ये हुई हमारी y2 तो क्या पुट करेंगे हम पुट करेंगे फंक्शन y2 पे हमारा उसकी एक्स प्लस एच हमारा अगर x2 टू सेकेंड प्वाइंट है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो एक्स प्लस एच पे हमारी y की वैल्यू क्या है एफ एक्स प्लस एच और x पर क्या है y की वैल्यू एफ एक्स और x2 हमारा क्या है एक्स प्लस एच और एक्स वन क्या हमारा एक्स और एक चीज और हमें लिखनी है क्या कि इसकी हमें एड करनी है ये वैल्यू कि एच जो है वो हमारा जीरो तक टेंडिंग है क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है तब आप देख सकते हो एक्स और एक्स हमारा कट हो गया डिनोमिनेटर में तो हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू क्यों आई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच और ये जो आपकी वैल्यू निकली है इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं क्या कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम लिख सकते हैं एस आर एच डी सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो अब हम डेरिवेटिव एट पॉइंट डेरिव तो अब हमने सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो अब हम निकालते हैं पॉइंट एट एक्स और पास्ट वैल्यू पे एक्स माइनस एच तो इसमें हमारी एक्स वन हुई एक्स एक्स माइनस एच पास्ट वैल्यू और एक्स टू हुई हमारी प्रेजेंट वैल्यू तब इसमें इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या एल एच डी ओके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी तब इसमें हमारी वैल्यू क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी पे वही सिमिलरली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वही वाई टू माइनस वाई वन वाई टू हुआ हमारा एक्स हमारा है तो इसमें हमारी वाई की वैल्यू क्या आई एफ एक्स एफ एक्स माइनस क्या हुई एफ एक्स माइनस एच अपॉन on x one के x x हमारा x minus x minus h तब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं डेनोमिनेटर का क्या आया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f x minus f x minus h अप on x minus x plus h तो ये आई हमारी यहाँ पे h हो गया तो ये आई हमारी l h t ओके सो ये हमारा डेरिवेटिव निकालने का तरीका विद द फॉर्म ऑफ़ ग्राफ नेक्स्ट देखते हैं अब हम हमने डेरिवेटिव समझ लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं दैट इज डिफरेंशियबिलिटी ओके सो डिफरेंशियबिलिटी में बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है कि नहीं है जस्ट लाइक like हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूस का पढ़ा था कंटिन्यूस में हम क्या चेक करते थे कि हमें एक फंक्शन गिवन होता था उसमें हमें प्रूफ चेक करना होता था कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं सिमिलरली जैसे हम कंटिन्यूस में करते थे वही हमें डिफ्रेंशियेबिलिटी में करना है हमें चेक करना हमारा फंक्शन डिफ्रेंशियबिलिटी है डिफरेंशियबल है कि नहीं है सो so बेसिकली ये कैसे चेक होता है हमारा इसमें हम चेक करते हैं आर और एल निकाल के जो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया वही हमें निकालना होता है इसमें आरएचडी की वैल्यू और एल की वैल्यू निकालनी होती है इस फंक्शन की और अगर वो इक्वल आ जाए और फाइनाइट हो तो वो हमारा फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होता है तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफ्रेंशिएबल एट पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लेते लाइक एट एक्स इफ हमारा जो एल एच डी है इज इक्वल टू आर एच डी दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव एट दैट पॉइंट मतलब एक्स पे ही एंड इज फाइनाइट सो so, ये दो प्री रिक्वेसिड होते हैं हमारे ये नहीं है कि अगर आपने निकाला किसी फंक्शन की वैल्यू एट एल और आरएचडी की और वो फाइनाइट आ गई तो आपने लिख दिया कि हाँ वो हमारा डिफरेंशियबल है नहीं फाइनाइट तो होनी ही चाहिए और दूसरा प्री रिक्वेस्टिड है हमारा कि एल और आरएचडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए टू टू ये ना हो कि आपका एल एच डी आ रहा है और आरएचडी फोर आ रहा है तो आपने लिख दिया डिफरेंशियबल है नहीं वो इक्वल नहीं है फाइनाइट तो निकल गए बट इक्वल नहीं है तो आपका वो इक्वल होना चाहिए ओके okay, सो so ये डिफ्रेंशबिलिटी के लिए होता है अब मैं आपको बताती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव कि हम डेरेवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेरिवेटिव उसका तो लाइक हमें डेरिवेटिव बताना है इसका डेरिवेटिव बताना है किस टर्म्स में हमें एक किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होता है लाइक डेरिवेटिव हम इसमें फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इसको हम बेसिकली रीड करते हैं एज डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर में आता है विद एक्स तो डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एज एफ डैश एक्स जो डैश होता है हमारा फंक्शन के ऊपर वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को सिमिलरली जो मैंने बताया लिखा हमने y इज इक्व टू फंक्शन ऑफ x तो आप फंक्शन ऑफ x की जगह y पुट कर दो तो डी वाई बाय डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू और हम इसको एज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज y डैश मतलब y का डेरिवेटिव और अभी हमने एक निकाला तरीका फॉर्मूला हम इसको कैसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एच ये हमारा मोस्ट बेसिक इसको हम बोलते हैं एज फर्स्ट रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली ये हमारा बेसिक रूल जो हमारा सबसे पहला रूल निकला था टू फाइंड द डेरिवेटिव वो हमारा इसी फार्मूला से निकला था अब आप जब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हमें याद रखने होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमारे डिराइव हुए वो हमारे इसी रूल से इसी बेसिक फंक्शन से फॉर्मूलाज से हमारे डिराइव हुए हैं तो ये हमारा इसी को तभी हम फर्स्ट रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसी से सारे फंक्शंस जो डेरिवेटिव के होते हैं वो डिराइव होते हैं ओके okay? जो so, हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज हम पढ़ते हैं ओके okay, तो पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूला जो हम पढ़ेंगे इस डी एक्स की पावर डी एक्स मतलब हमारा x की पावर n एक फंक्शन है जो हमारा डेरिवेटिव निकाल रहा है जिसका विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका फॉर्मूला होता है n n जो हमारा उसकी x की पावर होती है उसको हम वैसे एज uh, लिख देते हैं उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एन माइनस वन से ये हमारा फार्मूला है कि डी एक्स तो एन इज इक्वल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन ये जो हमारा जर्नल फार्मूला है इसी से हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज डिराइव्ड होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको जैसे पहला हुआ हमारा डी के बाय डी एक्स जो के है हमारा इसमें कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होता है जीरो कैसे कॉन्स्टेंट है इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं डी के x की पावर जीरो भी लिख सकते हैं अपॉन डीएक्स जब आप डी एक्स की पावर जीरो लिख रहे हो तो आप इसी से देख सकते हो कि आपका n की वैल्यू जीरो है तो n को आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीरो ही आएगा ओके नेक्स्ट है हमारा डी एक्स डीएक्स मतलब आप x को ही डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू तो x तो इसमें आपका आएगा वन आप जस्ट n की वैल्यू पुट करके देखोगे तब तो आपको समझ आ ही जाएगा अब आप एक्स स्क्वायर की निकालोगे डी एक्स स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स एन की वैल्यू टू वही आपको टू लिखना है एंड उसको x को n माइनस वन मतलब वन तो क्या है टू एक्स है आपकी एक्स स्क् की डिफ्रेंसिएशन ओके okay? अब नेक्स्ट करते हैं d वन बाय एक्स अपॉन डी एक्स अब आप वन बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो कुछ नहीं है x की पावर माइनस वन है तो माइनस वन आपका माइनस तो आएगा ही साइन आपको देख के पता चल रहा है और n माइनस वन करना है माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आपकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा नेक्स्ट है आपका डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स अब अंडर रूट का निकालना है कुछ नहीं है एन की पावर हाफ हुई हाफ आएगा ही हाफ और उसके बाद एन माइनस वन तो हाफ माइनस वन करोगे तो हाफ ही आता है तो माइनस uh, हाफ आएगा तो आपका रूट एक्स हो जाएगा तो वन अपॉन टू रूट एक्स आपका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपके फर्स्ट फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं सेकेंड हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे साइन एक्स का तो डी साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता है आपका कॉस एक्स नेक्स्ट आप कॉस एक्स का करोगे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस साइन एक्स ठीक है आप ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख रहे हो के ये भी हमारे उस फर्स्ट बेसिक रूल और प्रिंसिपल से ही डिराइव हुए हैं थर्ड आपका डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हो अगर टेन एक्स का तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स ओके नेक्स्ट आपका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स नेक्स्ट आप कर रहे हो अगर कॉटेक्स का तो कॉटेक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका आप देखो आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट क्लास में करा होगा टेंथ में इलेवेंथ में तब तो आपको पता होगा कि साइन कॉज टैनसेक और कॉट कॉसिक्स जो होते हैं वो सिमिलर फंक्शन होते हैं दिस इंस इनका कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज निकलती है तो आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मूला होता है टैन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय कॉट तो टैन एक्स और कॉटेक्स आपका थोड़ा बहुत सेम नहीं कह सकते मतलब थोड़ा बहुत उसमें फॉर्मुल में कुछ होगा तो उनका रिलेशन होता है सिमिलरली सेक एक्स और कॉसेक एक्स का होता है तो अब अगर कॉटेक्स का निकाल रहे हो अगर आप देख रहे हो टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है तो आप समझ सकते हो थोड़ा याद करने के तरीके से कि कॉट एक्स का जो होगा टैन एक्स थोड़ा सिमिलर है तो सिम, थोड़ा सा सेम फॉर्मूला होगा बस माइनस सेक की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता है ओके okay? सिमिलरली मैंने आपको बताया सेक और कोसेक का रिलेशन होता है जब आप एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स की तरह थोड़ा सा होगा माइनस साइन और क्या होगा सेक टेन एक्स आपका सेक एक्स का तो कोसेक का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड है जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग सम चेन रूल लाइक चेन रूल कवर करेंगे कुछ रूल्स कवर करेंगे और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और स्टैंडर्ड फॉर्मलाज जो हमने डेरिवेटिव फार्मूलाज करे उससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए ओके सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री और डेरेवेटिव में कि डेरीवेटिव में हमारे जो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूज हैं अभी जैसे मैं आपको वीडियो बाय वीडियो कर रही हूँ कि मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज कवर करी फिर मैं उसकी क्वेश्चन सोल्व करूंगी सिमिलरली अब मैं इसके बाद हमारा लॉग का आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव आएंगे उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए लेकिन मैं वन गो थ्रू के लिए कि जैसे आपको एक मैप मतलब रिमेंबर करने के लिए आपको सारे फार्मूलाज को रिमेंबर करने के लिए कि एक ही जगह आप लिखो फार्मूलाज तो आपके सारे फार्मूलाज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद है एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फार्मूलाज जो हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे वो मैंने उस वीडियो में एड कर दिए सो दैट वो आपके लिए ईजी हो जाए समझ कि आप उसको बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लो तो वो इजिली आपको समझ आ जाए तो वो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है तो यू कैन चेक इट आउट एंड दिस इज इट फॉर दिस दिस वीडियो In case you have any query or any question, please write down in the comment section. Please don't forget to subscribe to the channel and like the video. Thank you.